अस्सलाम वालेकुम, केम छो, सत श्री अकाल, केड़ो हाल है, कसे काय, नमस्ते, केमो ना छो, एंड वेलकम टू वीकेंड का वार, बिग बॉस सीजन 14, यानी के बिग बॉस सीजन 14। मैं इसके साथ काम कर चुका हूँ, अभी ये इतना खुली नहीं है, लेकिन ये जब खुलेगी और भड़केगी तो सबकी फाड़ देगी। मेरा पैसा है इस पर। हु सेड टू हुम, मेरा भाई सिद्धार्थ शुक्ला सेड टू ऑल द अदर कंटेस्टेंट्स, क्योंकि वो बात कर रहे हैं यहाँ पर पवित्र पुनिया के बारे में। आज जो पवित्र पुनिया के आंखों से पवित्र आंसू गिरे हैं, उस सब का बदला लेगी पवित्र पुनिया। इन सारे आंखों का, बेइज्जती का, सबका बदला लेगी रे पवित्र पुनिया। पर मैं आज का जो टास्क हुआ, गुड, एवरेज, बिलो एवरेज, पुअर, ये दर्शाता है कि ये कंटेस्टेंट्स शो पे तो आ गए हैं बड़ी बड़ी बातें करके कि हम पिछले सीजन देखे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आज इन लोगों ने दिमाग ही नहीं चलाया। सलमान खान को यही कहना पड़ा कि जब आप खुद अपने आप को सब स्टैंडर्ड समझते हो तो क्यों हम प्राइम टाइम पे ऐसे सब स्टैंडर्ड कंटेस्टेंट्स को दिखा है। इसलिए आप लोग बैक पैक करिए, चले जाइए मेरा भाई। एंड कल ऐसा क्या होगा कि ये सीनियर्स के हाथों में ऐसी शक्ति आएगी कि वो 10 कंटेस्टेंट जो बचे हुए हैं, टू बी कंफर्म, उनमें से एक कंटेस्टेंट को एविक्ट कर देंगे। मैंने ऐसा सुना है, आई एम नॉट कंफर्म, लेकिन सारा गुरपाल को इन लोगों ने सेलेक्ट किया है। क्या वो आउट होती है नहीं, ये तो कल का एपिसोड देखना पड़ेगा। लेकिन आज मैं आप सभी लोगों का इस शो में हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि इस शो में आए थे हार्दिक पांड्या एंड उनके साथ में उनके भाई आए थे अजय देवगन के डुप्लीकेट कृणाल पांड्या, और साथ में ईशान किशन, और ये तीनों ने काफी ज्यादा मस्ती की। छोटी सरदारनी के कंटेस्टेंट भी आए थे जिनको कांच के पीछे रखा था, क्योंकि ऑब्वियसली वो बाहर से आए हैं एंड बाहर चल रहा है कोरोना। मेरे बाद आज का एपिसोड शुरू हुआ कि इस तरह से निकी, जो अभी सीनियर बन चुकी है, उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया, लेकिन एजाज यहाँ खुश नहीं है। ये निकी ने सीनियर बनी है एंड एजाज यहाँ पे निकी पे फुल ठसन निखार रहा है, कह रहा है ए निकी, कल टास्क के दौरान तूने सारा गुरपाल के ऊपर नाखून मार दिया, देखो लगा नहीं जो तेरे एक्रेलिक के नाखून है उसने उसको हर्ट किया, चल जल्दी माफी मांग। तो निकी बोलती है कल रात को मैं नींद में कर रहा था, बोलती माफी मांगनी है, मैं मांगेगी माफी, बाहर जाके मांगेगी, अभी मेरे को मन नहीं कर रहा है। तो एजाज खान बोलता है तेरे में इंसानियत नहीं है, इतना बेसिक नहीं है, कब माफी मांगेगी, 3 महीने के बाद शो खत्म होने के बाद माफी मांगेगी। निकी बोलती मैं अपना टाइम लूंगी, बाहर जाके माफी मांग के आऊंगी। अब गाइस सारा यहाँ रो रही है एंड निकी कहती है मैं फेक नहीं हूँ, ये मेरी पर्सनैलिटी है, मुझे अभी माफी मांगने का मन नहीं कर रहा। फेयर इनफ, क्योंकि क्या निकी यहाँ पे जरा भी फेक नहीं कर रही, उसको मन करता है उसके बॉयफ्रेंड उसके एक्स छावे का चड्डी पहनने को, वो बोलती है, उसको मन करता है जान कुमार सानू को यू नो उसके साथ बैठ के टाइम पास करने के लिए, वो बोल देती है, शी इज बीइंग वेरी ऑनेस्ट। एंड सिद्धार्थ शुक्ला यहाँ कहता है कि निकी का काम नहीं है किसी से माफी मांगना, ये उसकी पर्सनैलिटी है, ये शो है बॉस। एजाज को खूब खड़ी खोटी सुना रहा है। अब मुझको नहीं पता एजाज खान यहाँ पे बिग बॉस खेलने आए या आ बैल मुझे मार खेलने आए, वो कुछ बोलता ही नहीं है। अरे हाँ तुम सदमे में हो एक लड़की के कारणवश, लेकिन मुंह तो खोल मेरा भाई, मुंह खोल कुछ बोल। लेकिन यहाँ पे सिद्धार्थ मस्त सुना रहा है, उसको कहता है कि तू कौन है एजाज, तू अपने लिए खेलना, उसके बारे में क्यों सुन रहा है, तू स्टूपिड लग रहा है एकदम, समझ में आया। निकी की पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग है, ये एक शो है, यहाँ पर सब लोग अपना शो खेलना है। एजाज कहता है अच्छा निकी की पर्सनैलिटी स्ट्रांग है, उसके वजह से पहले दिन सबको उसने भुक्का मार दिया था, कह रहा था खाने की जरूरत नहीं है, अभी निकी कैसे डिजर्व करती है यहाँ पे सीनियर बनने के लिए। हाँ गौर कहती है देखो भाई एजाज खाली है ना, सारा गुरपाल यहाँ पे हर्ट नहीं हुई है, कल निकी को भी हर्ट हुई है। एंड सिड कहता है देख भाई एजाज तू यहाँ बैलेंस नहीं है ज्यादा, पहले बैलेंस हो जाए। एजाज यहाँ पे गट 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 गट, लोग पानी पीते हैं यहाँ पे एजाज गट 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 सुन लेता है। लेकिन गाइस यहाँ पे एजाज कहता है निक्की में इंसानियत नहीं है, जो इसमें इंसानियत ही नहीं है तो वो हमको कैसा लीड करेगी, हमको कोई ऐसा चाहिए जो इसमें इंसानियत हो जो हमको लीड कर सके। लेकिन गाइस यहाँ पर पुनिया कहती है निकी इज अ सीनियर, नाउ शिट गेट्स रियल। लेकिन गाइस यहाँ पे सलमान खान हार्दिक पांड्या का स्वागत करते हैं, सलमान खान की एंट्री बहुत मस्त होती है, बेबी को बेस्ट पसंद है उसमें एंट्री होती है। हार्दिक पांड्या आते हैं, उनके भाई कृणाल पांड्या आते हैं एंड ईशान किशन आते हैं। सलमान खान कहते हैं अरे यार जैसे तुम लोग बहुत मेहनत कर क्रिकेट खेलने के लिए गए थे, थोड़ा टफ लगा होगा ना, वैसे मैं भी परसों एमबी वाली शूट करने के लिए गया तो डांस स्टेप मुझे नहीं आ रहा था, बहुत टफ लगा। एंड हार्दिक पांड्या कहता हाँ हम लोग भी इधर रस्टिक हो गए थे, नहीं खेल पा रहे थे बराबर से। लेकिन गाइस अब जो एक गेम हो रहा था यहाँ पे, रुबीना दयालिक को इतना भी नहीं मालूम कि रनआउट क्या होता है, जैस्मिन भसीन को यह भी नहीं पता कि गूगली क्या होता है। एंड गाइस वापस से यहाँ फ्रंट फुट बैक फुट यहाँ पे फुल टाइम पास चला, यू नो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए उनको। लेकिन यहाँ पे बॉम्ब फोड़ा सलमान खान ने कि तुम लोगों को नहीं पता सिद्धार्थ शुक्ला की शादी होने वाली है। हिना खान वाज लाइक हिना तुम रॉकी के साथ हो या किसी और के साथ हो, हिना को सीरियसली बुरा लगा, उसको अंदर से धक्का लग गया, अरे यार
शुक्ला की शादी हो रही, मेरे को नहीं पता चला। आई वॉज लाइक डूड क्या फर्क पड़ता है। लेकिन गाइज यहाँ पर हिना बहुत पॉजेसिव हो जाती है, कहती है कब क्या क्यों कैसे। सलमान खान बोलते हैं कब क्या क्यों काइकू वाइकू, सुनो मेरी बात, बालिका वधू में होने वाली है उनकी शादी, 12 अक्टूबर का एपिसोड है। हिना कहती है ओ, तो सलमान खान कहते हैं देखो आपको बहुत ही फैब रिस्पॉन्स मिला है, अब चाहता तो मैं इसके लिए बहुत स्पेशल एपिसोड बना सकता हूँ। नहीं गाइस बिग बॉस की टीआरपी ये थर्सडे को आएगी, अब तक कोई टीआरपी नहीं आई है। तो किसी का बाप आके कहा आपको कि टीआरपी आए तो मत विश्वास करना, उसे टीआरपी नहीं आई है। सलमान खान ने कहा है सब लोग आप लोगों को बहुत अच्छे से पसंद कर रहे हैं, बहुत फैब रिस्पॉन्स है। तो हिना खान बोलती है सलमान भाई आप भी शादी कर लो ना। सलमान खान बोलते अरे मेरा टाइम चला गया शादी करने का, अभी समझ में आया। बस अब स्टेटमेंट्स हैं जो कंटेस्टेंट ने इन सीनियर लोगों के लिए कहा है। अब इन तीन सीनियर्स यानी कि हिना खान, गौहर खान एंड बीच में यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला बैठे हैं, यहाँ पे हिना, यहाँ पे गौहर एंड बीच में सिद्धार्थ। यहाँ पर सिद्धार्थ ने काफी अच्छा सूट पहने हैं, पिन स्ट्राइप सूट पहने हैं व्हाइट एंड ब्लू के, काफी अच्छे डिजाइन है। लेकिन गाइज यहाँ पर उनको जो स्टेटमेंट्स है पहचानना है किसने बोला। पहला स्टेटमेंट नंबर वन, सीनियर पे सीनियर आएंगे बजाएंगे। बट फ्रेंड्स यहाँ पे सब लोग गेस करते हैं एजाज, जो कि करेक्ट है। अनग्रेटफुल क्या हाँ, कौन सा पांव दबा रहा हम लोग का। अब सबको पता है सिद्धार्थ ने अनग्रेटफुल कहा था यहाँ पे रूबीना के पति को, तो उन लोगों ने ही बोला है, सब लोग वो करेक्ट यू नो गैस करते हैं। लेकिन गाइस आए हैं 2 हफ्ते बाद चले जाएंगे, ये कहा था मिस्टर विग निशांत ने, सब लोगों ने करेक्ट गैस कर लिया कि वो निशांत है। लेकिन गाइस इससे पहले करेक्ट गैस फर्स्ट शॉट पे नहीं हुआ। पहला स्टेटमेंट सीनियर पे सीनियर आएंगे बजाएंगे, सब लोगों ने कहा शायद पवित्र ने बोला है। अनग्रेटफुल क्या, कौन सा पांव दबा रहा है, आई थिंक पवित्र ने बोला। तो ये पवित्र के ऊपर आया तो पवित्र पुनिया को बहुत अपवित्र लगा, इसके कारण अभी पवित्र होने के कारण वो उसके आंखों के जो पवित्र यू नो आंसू है वो बहने लगे। शी क्राइड अ लॉट मैन रियली सीरियसली। सिद्धार्थ बोलता है अरे गेम है यार क्यों ऑफेंड हो रही तू। लेकिन गाइस अब यहाँ पे यू नो सीनियर्स जो है वो डिसाइड करेंगे कि यू नो यहाँ पर आगे क्या है क्या नहीं है, और जितने भी नाम है वो कौन है ये सीनियर डिसाइड करेंगे। लेकिन इससे पहले पुनिया बहुत रो रही थी, तो गौहर खान ने जाके पुनिया को मनाया कि मत रो, फिर चुप हुई। फ्रेंड्स यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें पहला सेंटेंस लिखा है या किसका मजाक बन रहा है, यानी कि इस गेम में किसका मजाक बन रहा है। एंड सबको लग रहा है, सिर्फ आपको नहीं मुझको नहीं सीनियर को भी नहीं, कि एजाज खान का मजाक बन रहा है यहाँ पे। यू नो सब लोग कहते हैं कि तेरा मजाक बन रहा है यहाँ पे एजाज गौहर, यहाँ पे यू नो जो गौहर हिना है यहाँ पे एजाज का नाम लेते हैं एंड एजाज खान की पूरी बजा देते हैं। फ्रेंड्स कौन फेक है यहाँ पर, तो हिना और गौहर कहते हैं कि निशांत फेक है एंड यहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला कहता है कि फेक है जैस्मिन, क्योंकि यार जैस्मिन का व्यक्तित्व ही ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे वो सना बनने की कोशिश कर रही है। ये बात मैंने कल ही क्लियर की थी, वो सना ऐसा है ही नहीं, वो अपना असली चेहरा नहीं दिखा रही। सिद्धार्थ भी कहता है कि जैस्मिन फेक है, इसमें वो बात ही नहीं इस शो में आने की। यहाँ पे सब लोग नाम लेते हैं सारा गुरपाल का एंड गाइस उसके बाद पवित्र पुनिया रोते जा रही है। ओवर प्लानर कौन है, हिना कहती है डेओल ओवर प्लानर है, गौर कहती है रूबीना ओवर प्लानर है। फिर उसके बाद आता है कि बिग बॉस के लिए परफेक्ट कौन है, सिद्धार्थ पवित्र पुनिया परफेक्ट है। एंड सब सिद्धार्थ कहता है मैं इसके काम कर चुका हूँ, पवित्र पुनिया बैंड बजाने पे आएगी ना सबकी वाट लगा देगी ना, आगे हफ्ते में उसकी बैंड बजाएगी, मेरा पैसा उस पर। गौर खान हु इज परफेक्ट फॉर बिग बॉस, पवित्र पुनिया। हिना खान हु इज परफेक्ट फॉर बिग बॉस, पवित्र पुनिया। सब लोग पुनिया को बोलते हैं, पुनिया ऐसा करती है ना नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत विश्वास करती है वो यू नो ज्योतिषी में, खूब अंगूठी अंगूठी पहन के आई पवित्र पुनिया। यहाँ पे नेक्स्ट रहता है कौन डिसअपॉइंट कर रहा है, सिड कहता है रूबीना, हीना कहती है एंड गौर भी, गौर कहते हैं दोनों अभिनव, तो यहाँ पे लोग डिसअपॉइंट करते हैं। फ्रेंड्स फिर आते हैं यहाँ पे गलत फहमी के गुब्बारे एंड निकी कहती है, निकी को दिया गया सबके गुब्बारे फोड़ने के लिए हैं। निकी आती है और कहती है जैस्मिन तो पेट पीछे मत बोल, समझा ना, जो है ना मुंह पे बोल। निकी कहती है रूबीना तू ना है जैसी दिखती ना वैसी नहीं है, हाँ तो अपने पत्ते खोल, अभी ना तू तो सो में दिख ही नहीं रहा है। निकी कहती है जान को कोई डिसीजन पावर ही नहीं है, मैं बोलती हूँ सो तो सोता है उठ तो उठता है, ये मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर निकी कहती है कि राहुल तुमको हर आदमी से किस नहीं मिल सकता है, तो यहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला हिना खान कहते हैं भाई उसका टास्क था बिचारेगा छोड़ दो उसको। इजाज तो ऐसा लगता है तू सदमे में है, इजाज बोलता है हाँ बाबा मैं सदमे में हूँ मैं कोमा में हूँ। पर भाई निकी यहाँ फाइनलिस्ट मटेरियल लग रही है मेरे को, काफी अच्छा पोटेंशियल से परफॉर्म कर रही है। एंड गाइस यहाँ पर निशांत की बारी आती है फुग्गा फूटने की, गली के गुब्बारे, अब गलत फहमी के गुब्बारे। निशांत कहता है राहुल ये कोई सिंगिंग कॉम्पिटिशन नहीं है, तुम हमेशा गाना गाते हुए दिखाई दे रहे हो, इस वीक सीज तो हमेशा गाना गाते हुए दिखाई दे रहे हो, समझ में आया तुम दिख ही नहीं रहे हो। समझ कर हंसते हैं निशांत तू शो में दिख ही नहीं रहा है, तू उसको सिखाएगा। फिर राहुल वैद्य भी रुकने वाला कहा था, राहुल वैद्य कहता है निशान तू फेक है, समझा ना ये तेरे लिए, तू भी सीरियल समझ के काम कर रहेगा यहाँ पे। बट फ्रेंड यहाँ पे पुनिया जाती है एंड कहती है एजाज
आप खुल के सामने आई। अरे एजाज खान का तो जलवे ही जलवे इस घर में। पवित्रा पुनिया किसिंग कर दिया। और रूबीना कहती है, रूबीना ये पूरा डम जैसा खेल रही है, पवित्रा पुनिया से भिड़ रही है, पवित्रा पुनिया उससे भिड़ रही है, दोनों एक दूसरे से भिड़ रहे। सिद्धार्थ बोलता है, अरे बस करो यार, क्या पागलपना चल रहा है। अरे मैं छोटी सरदारी के गेस्ट आते हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पे उन लोगों को कंटेस्टेंट को प्रोडक्ट बना के बेचना है। एंड यहाँ पर गौहर खान जाती है प्रोडक्ट बना के बेचने के लिए जान और निशांत को। निशांत को सिद्धार्थ कहता है, नहीं हमें और कोई नहीं खरीदना, हमको गौहर खान को खरीदना है। फ्रेंड्स निशांत जीतता है, उसे अंडे की ट्रे मिलती है, एंड जान कुमार सानू पे सरकाइलो चकिया जाड़ा लगे, कुछ फंके मारते सर पे, है वो टास्क खत्म होता है। लेकिन गाइस यहाँ पर हिना खान को बेचना है राहुल को और एजाज खान को। हिना कहती है, एजाज ले लो, बहुत स्वीट है, बहुत कम बात करता है, राहुल ले लो, संडास साफ करता है, बहुत शांत रहता है। उन लोग यहाँ पर राहुल वैद्य को सेलेक्ट करते हैं, राहुल वैद्य को मिलती है कॉफी, एजाज खान को मिलते हैं फटके। फिर आते हैं एडजेक्टिव टास्क। ये गाइस मैं आपको ऑनेस्टली बोलता हूँ, आज तक मैंने ऐसा ऐसा नल्ला टास्क कभी देखा नहीं है। हमेशा कंटेस्टेंट मुंह खोल के जवाब देते हैं, अरे भाई हम लोग क्यों एवरेज, काय को एवरेज, ये पटेल मैं क्या एवरेज दिख रहा हूँ तेरे को, भाई शाणे चले मैं एक्सीलेंट हूँ, हमेशा होता है। एंड यूजली नंबर्स होते हैं, यहाँ पर लोगों ने एफर्ट ही नहीं दिखा तो लल्लू ऐसे खड़े। अच्छा गुड, हाँ यार मैं तो एक्सपेक्ट करता, मैं तो नल्ला हूँ, गुड तो मिला, अच्छा मैं भी खड़ा हो जाता हूँ। भेड़ बकरी के चाल में एजाज खान ने सबका पोपट काट दिया, एंड सब वही चाल में चलते चले आ गए। एंड ये गाइस इनको भुगतान भरना पड़ा, राहुल को मिला बिलो एवरेज, उसके बाद जैस्मिन को मिला गुड, एजाज खान एंड डेवल भी गुड में गए, निशांत एकदम पुअर, अभिनव गया एवरेज, गौर कह रही थी ये टास्क कर ही नहीं रहे लो क्या कर रहे, जान गया पुअर, रूबीना एंड पवित्रा को मिला गुड। सिद्धार्थ कहता है, तुम लोगों ने आर्ग्यू क्यों नहीं किया, तुम लोग को पुअर बोला तुम लोग पुअर बन गए, तुम लोग गुड बोला तुम लोग गुड बन गए, यू लुक लाइक इडियट्स। हाँ किसी ने ये नहीं बोला कि हम लोग अग्री नहीं करते इस पर, हाँ थोड़ा तो अपना दिमाग यूज करो तुम लोग। सलमान खान कहता है, हाँ ऑल ऑफ यू वर्क हार्ड, तुम लोग सब लोग हार्ड वर्क करते हो, तो यहाँ पे सज्जन जैसा क्यों बिहेव कर रहे हो, हाँ इससे खराब किसी ने आज तक ये टास्क किया नहीं होगा, और लोग दावे करके आ रहे हैं कि तुम लोग पिछला सीजन देख कर आए हो। हाँ आप लोगों को देख के मेरे इंसानियत पे भरोसा वापस से आ गया, एक्सेप्ट कर रहे हो पुअर हो, एक्सेप्ट कर रहे हो गुड हो, हाँ किसी को यहाँ नहीं लग रहा कि तुम लोग एक्सेलेंट हो, क्या तुम लोग सीन पलटोगे, ये सीन पलट रहे हो तुम लोग, कोई भी किसी को भी यहाँ पर सब स्टैंडर्ड चीजें नहीं देखनी है। सलमान खान पूछते, जान निशान तुम लोग में से कौन बेस्ट है, निशान बोलता सर मैं बेस्ट हूँ, जान सर मैं एक्सेलेंट हूँ। सलमान खान बोलता है, साले तो स्टेज पे क्यों नहीं बोला ये सब, हाँ निशान कहता है सब ये फूलिश, सब फूलिश लग रहे हैं, हाँ भाई बोलता है इसका मतलब ये है कि तुम अग्री करते, तुम सब नल्ले हो, हाँ अब ये तुम्हारे एविक्शन को इफेक्ट करने वाला है, हम लोगों ने वोटिंग लाइन ओपन नहीं की थी, लेकिन अब तुम सारे के सारे 10 के 10 अपना बैग पैक करो एंड निकलो यहां से, कोई जरूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने के लिए, एनर्जी वेस्ट करने के लिए, समझ में आया, चलो बाय। एंड भाई फिर वहां से चले जाते हैं। सलमान खान बोलते हैं, टिल देन डू व्हाट आई डू मैन, पर माता पिता से प्यार करो ना एंड डोंट गिव करो ना, सलमान खान चले जाते हैं। फिर बाद में इन लोग का डिस्कशन शुरू हो जाता है, यू नो तो लोग बोलते हैं अरे यार क्या हो गया, ये सीनियर बोलते तुम लोग ने गेम ही नहीं अंडरस्टैंड किया, हाँ तुम लोग को कैसे तुम अपने आपको बैड बोल सकते हो, एवरेज बोल सकते हो, पुअर बोल सकते हो। हाँ सीड कहता है, इट्स माइंड ओवर मैटर, इफ यू डोंट हैव माइंड इट डज नॉट मैटर। हाँ जान बोलता है, आई एम ओनली इडियट। एजाज खान कहता है, अरे मेरा ही फॉल्ट है, मैं कोई रियलिटी शो देख कर नहीं आया ना, इसलिए मेरे को कुछ पता नहीं। जान बोलता है, सर नेक्स्ट टाइम एजाज जी आप फोल्डर ही मत लीजिए। हाँ जान कुमार सानू पगले फोल्डर मत लीजिए, तेरे को अक्कल घास चरने के लिए गई थी। हाँ एंड सलमान खान वापस आते हैं, कहते हैं इन पे कोई असर नहीं होने वाला, ये ऐसे के वैसे रहेंगे, एंड वो शो यहाँ पे खत्म होकर चले जाता है। पर फ्रेंड्स कल से शुरू होगा निकी राज, यानी कि कोई भी सामान चाहिए आपको तो उसको आपको पूछना पड़ेगा निकी से, अब क्या टम्बोली मानती है या नहीं मानती, टम्बोली तुम क्या बोली। हाँ तो कल देखना पड़ेगा हमको, कल नॉमिनेशन टास्क होगा, मटकियां फोड़नी पड़ेगी उन लोग को, एंड 3 सीनियर डिसाइड करेंगे कि कौन एविक्ट होगा। बट फ्रेंड्स आज का वीकेंड का वार काफी इंटरेस्टिंग था, काफी एक्साइटिंग था, एटलीस्ट सलमान खान ट्राई कर रहे हैं इनको ओपन अप करने के लिए, एंड आई एम डैम श्योर कि जैसे जैसे सीनियर्स जाते हैं, पवित्र पुनिया, एजाज खान, यू नो निकी टम्बोली, निकी टम्बोली तो ओपन अप हो चुकी है, शी इज प्लेइंग फैंटास्टिक
फैंटास्टिकली टिल नाउ. राहुल वैद्य ये सारे लोग और ओपन हो गए, सारा ग्रुप अलग करके चली जाती है, आई डोंट नो. लेकिन ये सारे के सारे ओपन होना बहुत जरूरी है, स्पेशली रूबीना. हाँ, छोटी सरदानी वाली आई थी एंड उसने कह के रूबीना बहुत अच्छा खेल रही हो, आप मेरी फेवरेट हो, लेकिन दैट वॉज अ फैन बॉय मोमेंट. इन रियलिटी रूबीना इज लुकिंग वेरी कंफ्यूजिंग एंड अभी ना ऐसा लग रहा है कि सिर्फ अपनी बीवी के लिए कवर अप कर रहे हैं. लेकिन गाइज यही है बिग बॉस, कोई है तो कोई नहीं है, एंड कोई सच है तो कोई झूठ है, कोई अच्छा खेलेगा तो कोई बुरा खेलेगा. मेरे फ्रेंड्स कल मिलेंगे, कल ऑब्वियसली रिव्यू ये टाइम पर नहीं आएगा, कल रिव्यू 1 बजे आएगा रात के, क्योंकि गाइस 10:30 बजे का एपिसोड होगा, सैटरडे संडे ये आता है 9 बजे रात को. गाइस आई होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, एपिसोड पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. इसमें आमिर अंसारी साइनिंग ऑफ, यू विल सी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल माइंडेड.